देखते ही मुंह में पानी आ जाए, खाए बिना मन रह ना पाए, ऐसे है ये डेजर्ट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड से बनने वाली दो ऐसी जबरदस्त डेजर्ट्स की रेसिपी, जिनको देखने के बाद आप रुक नहीं पाएंगे। मेरी गारंटी है आप तुरंत जाकर बनाएंगे। घर के ही कम सामान से बहुत ही स्वादिष्ट आप ब्रेड के ये डेजर्ट तैयार कर सकते हैं, जिन्हें चाहे आप इफ्तार में बनाइए या जब दिल चाहे कुछ मीठा खाने का तो झट से घर में रखी ब्रेड से फटाफट तैयार कर लीजिए। स्वाद ऐसा कि जिसके सामने अच्छी अच्छी मिठाइयां भी फेल हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद परल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड का एक ऐसा डेजर्ट जो मुंह में स्वाद का कर देगा धमाका, मतलब 2-in-1 रेसिपी जिसमें आपको कलाकंद का भी टेस्ट आएगा, साथ के साथ रबड़ी का भी टेस्ट आएगा। तो इसके लिए मैंने लिया है एक भारी सी कढ़ाई। कढ़ाई में यहाँ सबसे पहले हम डालेंगे 1 लीटर दूध। जो भी दूध आपके यहाँ रेगुलर में रोज में आता है वो ले सकते हैं, फुल फैट हो तो और भी बढ़िया, आपका काम ज्यादा जल्दी हो जाएगा, ज्यादा देर तक दूध को उबालना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमें दूध को तब तक उबालना है जब तक कि ये जो अपनी क्वांटिटी है ना, इससे 1/3 न रह जाए, यानी आधे से थोड़ा कम, एकदम बढ़िया गाढ़ा रबड़ी जैसा दूध तैयार करेंगे। और ये देखिए दूध में एक बढ़िया से उबाल आ गया है। इस स्टेज पर फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम और दूध को धीमी आंच में बीच बीच में चलाते हुए उबलने देंगे। साइड से इस तरह से स्क्रेप करते जाएं, जो भी साइड में लगा हुआ है उसे छुटाकर मलाई को इसी में बीच में मिक्स करते जाएंगे, इससे दूध में टेस्ट भी बढ़ जाएगा और दूध में गाढ़ापन जल्दी आएगा। और ये देखिए दूध अपनी क्वांटिटी से लगभग आधा हो गया है, गाढ़ा सा भी दिख रहा है, थोड़ा सा दूध को अभी और गाढ़ा करेंगे। लेकिन अभी इसी स्टेज पर इसमें हम डालेंगे चीनी, तो स्वाद अनुसार मैं लगभग 4 बड़े चम्मच के करीब चीनी डाल रही हूँ। यहीं पर हम डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। अच्छे से सभी चीजों को मिक्स करेंगे और साइड साइड से इस तरह से मलाई को जरूर छुटाकर बीच में कर देंगे। और ये देखिए आप दूध देख सकते हैं, एकदम रबड़ीदार दानेदार सा दिख रहा है, बिल्कुल बढ़िया सी रबड़ी हमारी तैयार हो गई है। तो गैस को बंद कर देंगे, इसे पूरी तरह होने देंगे ठंडा। और यहीं पर मैं डाल रही हूँ थोड़े से केसर के स्ट्रैंड्स, इससे खुशबू और लुकिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। थोड़े से यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, तो मैंने यहाँ पर लिए हैं बारीक कटे हुए बादाम और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता, साथ ही डाल रही हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए काजू। अच्छे से कर देंगे मिक्स। क्या मस्त दिख रही है रबड़ी, लग रहा है ऐसे ही खा लो। और अब देखिए क्या मस्त मिठाई हमारी बनेगी, वो भी मिनटों में। इसको रख देंगे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। 2-in-1 यूनिक स्टाइल का कलाकंद पुडिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है ब्रेड। सिंपल ब्रेड से आप बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब नए स्टाइल का ब्रेड कलाकंद बना सकते हैं, या फिर आप इसे कलाकंद पुडिंग भी बोल सकते हैं। अब एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और जो साइड है ना इसके हार्ड वाला पार्ट, इस एजेस को हम कट करके हटा देंगे। सारी ब्रेड बिल्कुल इसी तरह तैयार करेंगे। तो मैंने ये बर्फी वाली ट्रे ले ली है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ जो भी हमने तैयार की थी ना रबड़ी, पूरी तरह से ठंडी हो गई है, थोड़ी सी रबड़ी नीचे बेस में डालेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे हमारी तैयार ब्रेड स्लाइसेस, तो बस इस तरह से रैंडमली अब ब्रेड स्लाइस लगा दे जितनी ट्रे में फिट हो जाए। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी में लिया है थोड़ा सा दूध, ठंडा न गर्म, इसमें मैंने थोड़ी चीनी मिला ली थी और थोड़ा सा इलायची पाउडर, बस इसी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये 1-1 चम्मच दूध थोड़ा सा ब्रेड के ऊपर इस तरह से स्प्रेड करते हुए हल्का हल्का सा लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे हमारी तैयार मजेदार कलाकंद रबड़ी, बस इस तरह स्प्रेड करते जाएंगे कि सारी ब्रेड कवर हो जाए। खाकर देखिएगा मजा आ जाएगा, इतना सॉफ्ट और इतना टेस्टी, मुंह में घुल जाने जैसा ये ब्रेड कलाकंद तैयार होता है। अब इसके ऊपर वापस से हम लगाएंगे ये ब्रेड स्लाइस। अब ऊपर वाले पे वापस से दूध लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप चाहें तो लगा सकते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन रबड़ी से ही ये बिल्कुल बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि नीचे बिल्कुल हमने बढ़िया बेस दे दिया है। और फटाफट से हम ये कलाकंद रबड़ी स्प्रेड कर देंगे। ये लीजिए सब तरफ से मैंने रबड़ी से पूरी ब्रेड को कवर कर दिया है, लग रहा है ना एकदम कलाकंद जैसा टेक्सचर। अब इसके ऊपर थोड़े से हम ड्राई फ्रूट से आपके मन चाहे कोई भी, मैं बारीक कटे हुए पिस्ता बादाम काजू इनसे इसको सजा रही हूँ, कितना सुंदर दिख रहा है। तो वैसे रख देती हूँ फ्रिज में, लगभग आधा घंटा हो गया है। तो ये लीजिए हमारा यूनिक स्टाइल का 2-in-1 कलाकंद पुडिंग है बिल्कुल तैयार। ये देखिए मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और एकदम टेस्टी कि मुंह में जाते ही घुल जाए, ऐसा वाला ये हमारा कलाकंद तैयार होता है बिना किसी ज्यादा सामान के। ये देखिए है ना एकदम बढ़िया, लग रहा है कि ये आपने ब्रेड से बनाया है कलाकंद, कोई खाकर भी नहीं बता पाएगा।
इस तरह से बना करके आप इसे फ्रिज में लगभग 3 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और ये देखिए इतना सॉफ्ट बनता है कि आपको विश्वास नहीं होगा इसको खाने के बाद कि ये ब्रेड से बना है। 100% मेरी गारंटी है, इसको कोई नहीं पहचान सकता कि इसके अंदर ब्रेड है। इतना बेहतरीन स्वाद आता है रबड़ी कलाकंद का, जो ब्रेड है उसने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है रबड़ी को, उसके बाद इसका स्वाद पूरा मिंगल हो गया है। एकदम लगेगा जैसे आप हलवाई का कलाकंद खा रहे हैं। ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, मजा आ जाएगा इस गर्मी में ये शानदार मिठाई खाकर। अब जो दूसरी मैं ब्रेड की डेजर्ट बनाने जा रही हूँ, बेहद पसंद आएगी, घर के बच्चे हो या बड़े, अब मिनटों में तैयार कर पाएंगे आप इसको। सुपर इजी सुपर टेस्टी रस भरा ब्रेड खीर टोस्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 5 ब्रेड स्लाइस। सिंपल मैंने यहाँ पर ये सैंडविच ब्रेड ली है, आप कोई भी ब्रेड इस मिठाई को बनाने के लिए ले सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक ब्रेड स्लाइस और ब्रेड की जो ये एजेस देख रहे हैं ना, इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे और इसका एक फाइन पीस निकाल लेंगे। और ये जो एजेस हैं, इनको आप मिक्सी में डालकर पीस कर फाइन पाउडर बना के रख सकते हैं। किसी भी ग्रेवी वगैरह को गाढ़ा करने में या किसी भी स्नैक्स में, आलू वगैरह में आप ये डाल सकते हैं। तो सारी ब्रेड बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेंगे और बस एक ब्रेड स्लाइस लेंगे, इसको इस तरह से 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह। परफेक्ट, लीजिए सारी ब्रेड है हमारी बिल्कुल रेडी। फटाफट देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब एक कढ़ाई में तेल या घी को हम बिल्कुल बढ़िया से पहले गर्म कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर, और धीरे धीरे सारे ब्रेड के पीसेस को बढ़िया से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे, कोई भी ब्रेड जले नहीं। और बस इस तरह से उलट पुलट करते हुए ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है, और बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। इस स्टेज पर हम अपने सारे ही ब्रेड टोस्ट निकाल लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर क्रिस्पी गोल्डन कलर आया है। और सारे ही ब्रेड टोस्ट को इस तरह से एक थाली के ऊपर जाली लगा करके निकाल लेंगे और इसी तरह हम अपने सारे ब्रेड टोस्ट तैयार कर लेंगे। अब आप गैस पर चढ़ाइए एक कोई पैन या कोई पतीला और इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी। कोई भी कटोरी सेट कीजिए, उस अनुसार 1 कटोरी चीनी लीजिए और इसमें हम डालेंगे उसी कप से 1/2 कप पानी। फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे और फटाफट से चीनी को पूरी तरह से मेल्ट होने देंगे। इसकी हमें बनानी है 1 तार की चाशनी। और चीनी हमारी पूरी तरह से घुल गई है, तो इस स्टेज पर फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ 2 क्रश्ड इलायची। इसे बढ़िया से खुशबू आ जाएगी, आप चाहे तो केसर के स्टेंट्स भी डाल सकते हैं। चाशनी को ना तो बहुत ज्यादा पतला रखेंगे ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा। अगर आपने बहुत ज्यादा पतली रखी तो ब्रेड एकदम से सॉगी मुलायम पड़ जाएंगी, और बहुत ज्यादा गाढ़ी रखी तो अंदर तक रस नहीं जा पाएगा। चिपचिपी हल्की सी गाढ़ी चाशनी। और लीजिए चाशनी हमारी ऑलमोस्ट बिल्कुल तैयार है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। 2 फिंगर के बीच में इस तरह थोड़ी चाशनी आप लेकर देखिए, तो जब छुएंगे तो चिकनाहट सी आपको लगेगी। इस तरह जब मैं 2 फिंगर मिला रही हूँ तो देखिए पूरी खिंच नहीं रहा था, लेकिन हल्का चिपचिपापन है। बस इस स्टेज तक ही हमें चाशनी को पकाना है। गैस को कर देंगे बिल्कुल बंद और अब फटाफट से करेंगे एक डिलीशियस वाला नेक्स्ट स्टेप। गरम चाशनी में जो हमारे फ्राइड पीसेस रखे हुए हैं ब्रेड के टोस्ट, उनको हम इस तरह से बस डालेंगे और कुछ सेकंड बस उलट पुलट करके निकाल लेंगे। ज्यादा देर बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे वरना ये मुलायम पड़ जाएंगे, फिर वो बात नहीं लगेगी ब्रेड खीर टोस्ट में। बस इस तरह डालें और थोड़ा सा उलट पुलट कर दें और इस तरह से निकाल करके एक छलनी पर डाल देंगे, जो भी एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो नीचे गिर जाएगी। तो सारे ही हम टोस्ट बिल्कुल इसी तरह से चाशनी में डिप करके तैयार कर लेंगे और इसको भी हम निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स ये जो थोड़ी सी 2 से 3 चम्मच बची हुई चाशनी है, इसका भी अभी हम यूज कर लेंगे। और ये लीजिए हमारे रस भरे ब्रेड टोस्ट है बिल्कुल तैयार। फटाफट करते हैं डिलीशियस वाला एक छोटा सा स्टेप। अब आप लीजिए एक पैन और पैन में हम डालेंगे 1 कप दूध या 1 कटोरी दूध ले लीजिए, पहले से उबला हुआ या कच्चा कोई भी दूध आप यहाँ पर ले सकते हैं। और बहुत ही स्वादिष्ट खीर मावा बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 5 बड़े चम्मच दूध का पाउडर। अभी मैंने पैन को गैस पर नहीं रखा है, पहले सारी चीजें मिक्स कर लेंगे उसके बाद ही हम गैस पर चलाएंगे, जिससे कि दूध में लम्स नहीं बनेंगे। अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, मीडियम फ्लेम पर पैन को गैस पर चढ़ाएंगे और लगातार इस तरह से चलाएंगे जब तक कि ये बढ़िया से गाढ़ा ना हो जाए। अगर आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप फिर 2 कप दूध लें और उसको लो फ्लेम पर धीरे धीरे गाढ़ा कर लें। वैसे भी आप तैयार कर सकते हैं इस खीर मावे को और बहुत ही जल्दी इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होने लगेगी, बहुत जल्दी ये गाढ़ा हो जाता है। तो बस इस स्टेज पर जब हल्की थिकनेस आने लगे इसमें हम डाल देंगे 2 छोटे चम्मच घी, बस थोड़ा सा। अच्छे से करेंगे लो फ्लेम पर मिक्स और ये देखिए आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी बिल्कुल चेंज हो गई है। बहुत ही मिनटों में ये तैयार होता है। फ्लेम मैंने लो मीडियम रखी हुई है, मैं लगातार चला रही हूँ। बस इस स्टेज पर जब इसका गाढ़ापन आना शुरू हो जाए इसमें हम डाल देंगे हमारी बची हुई चाशनी। 2 बड़े चम्मच के करीब चाशनी डालेंगे और अच्छे से लगातार चलाते हुए कर लेंगे मिक्स।
और ये देखिए बहुत ही जल्दी हमारे दूध की कंसिस्टेंसी बिल्कुल चेंज हो गई है। बहुत ही टेस्टी ये खीर मावा तैयार हुआ है इस प्रोसेस से। ये देखिए गैस को बंद कर देंगे क्योंकि ठंडा होके ये अभी और गाढ़ा हो जाएगा। तो फटाफट से इसको निकालेंगे एक बोल में और हल्का सा ठंडा होते ही तैयार करेंगे अपने ब्रेड खीर टोस्ट। अब यहाँ पर हम लेंगे हमारा तैयार ब्रेड टोस्ट और उस पर लगाएंगे बहुत ही डिलीशियस वाली खीर मलाई, बिल्कुल इस तरह स्प्रेड कर देंगे और दूसरा ब्रेड टोस्ट इसके ऊपर सैंडविच कर देंगे। साइड से जो भी एक्स्ट्रा मलाई निकली हुई हो उसको हटा देंगे। किसी भी मेहमान के आने पर भी जब आप इसे बनाएंगे तो जो खाने वाले वो वाह वाह करेंगे। तो सभी को बिल्कुल इसी तरह तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे झटपट बनने वाले यूनिक स्टाइल के स्पेशल मुंह में पानी ला देने वाले ब्रेड खीर टोस्ट। तो देखा आपने आप ब्रेड से कितनी शानदार मिठाई तैयार कर सकते हैं। मतलब ऐसे डेजर्ट्स जिनको जिसके सामने भी आप सर्व कर दें वो सिर्फ एक पीस नहीं खाएगा, बस खाते ही चला जाएगा और स्वाद में खो जाएगा। जरूर बनाइएगा, मेहमान आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज के ये स्पेशल ब्रेड डेजर्ट्स की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।